किचन की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके ढेर सारे किचन के सामान को बर्बाद होने से आपकी मदद करेंगी, साथ ही में किचन में आपको कामों को इंटेलिजेंटली करने में आपकी बेहद ही ज्यादा मदद करेंगी। तो चलिए बिना देरी करें ये जबरदस्त झकास किचन टिप्स के साथ शुरू करते हैं। कभी कभी जो हमारे घर में आलू आते हैं, जो एकदम नया आलू होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। आप देखिए इसका छिलका हम चाकू से उतार रहे हैं। इसका छिलका क्यों चाकू से उतारना चाहिए और पिलर से क्यों नहीं उतारना चाहिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जो भी नया आलू होता है उसकी स्किन बहुत पतली होती है और वो बेहद ही ज़्यादा जूसी होता है। जब हम इसकी ऊपर वाले छिलके की परत चाकू से हटाते हैं तो जो इसमें जूसेस होते हैं, जो गीला होता है, वो छिलके के साथ बाहर नहीं निकलता है। आप देखिए कितना पतला पतला छिलका निकला है और कोई भी आलू के जूसेस नहीं निकले हैं और आलू कितनी आसानी से छील चुका है। अगर वहीं हम इसको पिलर से यानी कि छीलने वाले से छीलते तो इसका छिलका मोटा मोटा निकलता और इसके जो बहुत ही एसेंशियल जूसेस हैं वो उसी छिलके के साथ निकल जाते। ये देखिए दोस्तों कितना मोटा छिलका निकलता और छिलका कितना गीला है, इसमें बेहद ही ज़्यादा जूसेस होते हैं। पूरा का पूरा हाथ तक गीला हो जाएगा क्योंकि इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जूसेस हैं वो निकल जाते हैं छिलके के साथ। अभी आपको फटाफट पूरा छिलके दिखाते हैं कि कितनी सारी चीजें इसके साथ बाहर निकल गई हैं। ये देखिए दोस्तों सारे के जो सारे हमारे छिलके निकल चुके हैं और छिलकों को एक साथ रख के दिखाते हैं कि कितना गीलापन भी इसके साथ इसका इंपॉर्टेंट निकल चुका है। ये देखिए सारा हाथ तक गीला हो गया है, तो आप भी चाकू से छील सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ चलें। कभी भी हम जब चाय बनाते हैं तो भूल जाते हैं कि इसका उबाल कब आना है और हम इसको ज्यादा उबालना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, चाय में एक चम्मच रख दीजिए। चाय की कैटल में एक चम्मच रखने से क्या होता है, जब भी चाय को हम नॉर्मल आंच पे रख के बॉयल दिलाते हैं तो चम्मच की रखने की वजह से कभी भी चाय बाहर नहीं गिरती, ऐसे ही उबलती रहती है। और हमको इससे फ़ायदा हो जाता है कि हमें ज़्यादा देर तक उबालना है तो हमें इसके पास खड़े नहीं रहना पड़ता, चम्मच की वजह से ये बाहर कभी भी नहीं आती। लेकिन ध्यान रखें आंच को ज़्यादा तेज ना रखें। आप देख सकते हैं चाय ना नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है, अच्छे से उबाल ले रही है। तो चलिए बिना देरी करें अपनी अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घर में जो चीनी होती है डब्बे में, उसमें कभी कभी सीलन पकड़ जाती है। आप ये देख सकते हैं कैसे ये गुच्छे से बन गए हैं चीनी के, लेकिन हम चाहते हैं हमारी चीनी तो बिल्कुल सूखी रहे, तो आज आपके लिए बेहद ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए हैं। दोस्तों अक्सर घर में जो चीनी होती है वो एकदम ऐसे होती है फ्री फ्लोइंग, कहीं भी नहीं सीलन होती है ना कहीं चिपचिपी होती है। आप देख सकते हो कितनी इजीली फ्लो हो रही है, कहीं भी गुच्छे नहीं बन रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमारे घर की जो चीनी है उसके ऐसे गुच्छे बनने लगे थे, या आप देख सकते हैं कैसे चीनी में सीलन आ गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हमारे घर में खाने की कुछ चीज़ों में ऐसी कुछ पुड़िया सी आती है जिसके ऊपर लिखा होता है ड्राइंग एजेंट। ये होता है बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइंग एजेंट जिसकी वजह से खाने की चीज़ों में मॉइस्चर नहीं आता है, सीलन बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपके घर में जब भी ऐसे कुछ भी ड्राइंग एजेंट खाने की चीज़ों में आए और जो बिल्कुल भी हानिकारक ना हो, वही वाले ड्राइंग एजेंट आप ऐसे चीनी में डाल के रख लीजिए और चीनी का ढक्कन लगा दीजिए। इससे आपके चीनी में कभी भी सीलन नहीं आएगी और आपकी चीनी का मॉइस्चर हमेशा फ्री रहेगा। अक्सर हमारे घर के पतीले कुछ इसी तरीके से जल जाते हैं, हम उन्हें अच्छे से खरसने की भी कोशिश करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ नहीं हो पाते। इसके लिए मैं आपको बेहद ही आसान सी टिप देती हूँ। संतरे के छिलके तो अक्सर हर किसी के घर में है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है और संतरे के छिलके भी होते हैं, तो खराब संतरे के छिलके या खराब संतरा आप ऐड कर दीजिए जले हुए पतीले के अंदर, और साथ ही आप ऐड कर दीजिए पानी और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए इसमें नमक। अच्छे से इसको घुमा दीजिए और अब गैस को कर दीजिए ऑन। इसको अच्छे से घुमाते रहें क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो पतीला है वो बेहद ही आसानी से साफ हो जाएगा, जितने भी कालिक है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। वैसे तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि अब इसमें बॉयल आ चुका है और धीरे धीरे करके जितनी भी इसमें कालिक थी वो संतरे के छिलके और संतरे की वजह से निकल चुकी है। और भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल आप गैस को बंद कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो कालिक वो निकल चुकी। अक्सर कभी कभी हमारे घर में दूध ज़्यादा आ जाता है तो हमारे को उसकी एक्सपायरी पास आने वाली होती है, लेकिन हम उस दूध को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उस दूध को फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़र में फ्रीज़ करने से ये दूध जहाँ पे
मान लो आज ही चल सकता था तो एक दो दिन एक्स्ट्रा चल जाता है, जिसकी वजह से हमारे को मुसीबत के वक्त में ये पैकेट काम आ जाता है। मान लीजिए इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसे कर लीजिए फ्रीज़। अब मान लीजिए दो दिन बाद हमने ये दूध उबाला है, या फिर नॉर्मल डेज में भी आप ये दूध उबाल रहे हैं, तो कीजिए पतीले में थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छा से इस पतीले को घुमा लीजिए। इससे क्या होता है, जब भी हम दूध उबालते हैं ना तो उबलता हुआ दूध कभी भी इस पतीले को चिपकता नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं। साथ ही में इस पैकेट को अच्छे से मिक्स भी कर लीजिए, नहीं तो कभी कभी पैकेट के साथ क्या होता है, फैट चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से पैकेट में ही फैट रह जाता है, क्रीम रह जाती है, दूध में बॉयल करते वक्त आ नहीं पाती। तो अच्छे से मिक्स करा और दूध को डाल दिया। अब जो हमने हल्का सा पानी डाला था उसकी मदद से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, ये दूध हमारा इस पतीले से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। फटाफट से इस दूध में बॉयल, फिर हम आपको दिखाएंगे अगले दिन इस पतीले को जब हमने खाली कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, तो हमारे को इस पतीले में बिल्कुल भी चिपका हुआ दूध नहीं मिला, क्योंकि हमने इसमें नीचे हल्का सा पानी डाला था और पानी जो था वो सारी की सारी लेयर्स में इसके चला भी गया था। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नेक्स्ट डे भी इसका एक शॉट लेके रखा कि पतीले की नेक्स्ट डे क्या हालत हुई है। कुछ ऐसा मिला नेक्स्ट डे हमें पतीला, कुछ डब्बे होते हैं जिनमें कभी कभी कुछ बदबू आने लगती है, चिकनाहट रह जाती है। जैसे ये डब्बा है ये धुल चुका है, लेकिन अगर मैं इस पर टिश्यू पेपर का कपड़ा मार के दिखाऊँ आपको तो इसमें अभी भी थोड़ी सी चिकनाहट दिख जाएगी। तो फटाफट से एक बार टिश्यू पेपर मारते हैं पहले तो, या फिर न्यूज़पेपर भी आपके घर पे हो तो उससे भी काम चल जाएगा। ये देखिए इसके अंदर अभी कितनी चिकनाहट बाकी थी धुलने के बाद भी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, फटाफट से इसको क्लीन तो कर ही लेंगे, क्लीन करने के साथ साथ इसमें गीला कागज़ रख देंगे और इसको ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर की बदबू भी चली जाएगी, ये एकदम रिफ्रेशिंग फील भी देगा। बस आपको ऐसे ही अपने डब्बियों की बदबू को ख़त्म करनी है। अगली ट्रिक पे चलें, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। छीलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लहसुन को छीलने का बढ़िया रामबाण एक तरीका बता रहा हूँ। मुक्का मारिए, तोड़िए और लहसुन को एक कढ़ाई में किसी भी पैन में कहीं भी डाल के 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। ऊपर की जो इसकी परत है वो पापड़ी, ये देखिए दोस्तों 2 ही मिनट रोस्ट करा है, निकाल के दिखाता हूँ कितनी बेहतर और झटपट रिजल्ट्स हैं। बहुत ही जल्दी एकदम केले के छिलके से भी आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, ये देखिए। अगली टिप पे चलें दोस्तों, हमारी मिक्सर जूसर ग्राइंडर का जो ब्लेड है कभी कमज़ोर होता है, उतनी धार नहीं रहती। ले लीजिए थोड़ा सा नमक और इसको खाली चलाइए नमक में 1.5 से 1 मिनट, धार इम्प्रूव हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, धार आपकी अच्छा रिजल्ट शो करेगी। अगली ट्रिक है दोस्तों, एप्पल काटते हुए थोड़ी सी मुसीबत होती है, बीच का पार्ट कैसे निकालें, तो एक पिलर ले लें अगर आपका गोल शेप का हो, और उसे ऐसे अंदर गाड़ दें और घुमा दें बढ़िया से, आपका पूरा एप्पल का बीज का हिस्सा निकल जाए। अक्सर हमारे घर में कोई भी ड्रिंक्स हैं, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा जैसे कुछ भी, इन्हें हमेशा फ्रीजर में रखें, इसमें कीड़ा नहीं लगता और ये ज़्यादा दिन तक भी चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखें।